स्वागत है आपका फ्लाइंग अब्रॉड में और आज हम आए हैं रोटेनबर्ग ऑफ द टॉबर में। तो ये एक जर्मनी का बहुत ज़्यादा फेमस हिस्टोरिक मेडिवल टाउन है और आप जो ये मेरे पीछे देख रहे हैं ये है इस सिटी का मतलब सबसे फेमस स्पॉट। तो अभी घूमते हैं ये पूरा टाउन और इसके बारे में मैं आपको बताती हूँ बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स। के अंदर मतलब पूरा जो ओल्ड टाउन है वो है, तो ये यहाँ पे जैसे इधर से जाने का रास्ता है तो अभी चल के अंदर जाओ। और ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये एक डॉक्टर का मतलब आर्ट्स हाउस यहाँ पे बोलते हैं, क्लिनिक है ये। तो इसको भी आप देख सकते हैं जैसे पूरा मिडिवल स्ट्रक्चर में ही मेंटेन किया गया। तो ये पूरे टाउन का यही खास बात है कि यहाँ पे अंदर अगर नई भी बिल्डिंग्स बनी है तो वो भी ओल्ड स्ट्रक्चर में ही मेंटेन करी गई है ताकि वो फील्स मतलब बनी भी रहे कि हाँ एक ओल्ड मिडिवल टाउन है। तो अभी आप जो ये मेरे पीछे वॉल देख रहे हैं इसके ऊपर जाएंगे हम, इसकी भी बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है। तो ऊपर चलते हैं और फिर मैं आपको बताती हूँ इसके बारे में। तो हम आ गए इस वॉल के ऊपर। तो ये जो टाउन है इसके चारों तरफ ये वॉल बनी हुई है और ये वॉल 3 किलोमीटर्स लंबी है। तो ये वॉल इसलिए बनाई थी कि जब पुराने टाइम में वॉर वगैरह चलते थे तो इस टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए इसके चारों तरफ ये वॉल बनाई थी। और इस वॉल में 42 वॉच टावर्स भी हैं और अभी भी आप जैसे इस पूरे वॉल पे वॉक ले सकते हो, 3 किलोमीटर लंबी वॉक है वो। और जैसे आप देख सकते हो यहाँ से ना पूरा फिर टाउन का जैसे अप मतलब ऊपर से जो व्यू होता है वो भी आता है, बहुत सुंदर लगता है। और ये यहाँ पे भी लोगों ने अपने सारे नाम लिखे हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ इंडिया में लिखे होते हैं, यहाँ पे भी लोग अपने नाम लिखते हैं दीवारों पे। और ये जो वॉल के अंदर का जितना भी जैसे टाउन का एरिया है उसको इनर टाउन पार्ट बोलते हैं। और जैसे ये टाउन का जो अंदर वाला पार्ट है उसमें इन्होंने अभी भी मेंटेन किया हुआ है, ट्राई करते हैं मतलब गवर्नमेंट की तरफ से ऐसे रूल्स वगैरह हैं कि जैसे अंदर अगर जैसे जो भी कंस्ट्रक्शन हो रहा है किसी को अपना घर रिनोवेट करवाना है तो भी उन्होंने कोशिश की हुई है कि जो स्ट्रक्चर होती है बाहर से और जो हाइट वगैरह है, जो कलर स्कीम है वो सब सेम ही रखी जाए ताकि मतलब जैसे हिस्टोरिक टाउन बन चुका है अब तो इसकी मिडिवलनेस जो है उसको मेंटेन करने के लिए इन्होंने आप देख सकते हैं कि सारे घर ऑलमोस्ट सेम ही लगते हैं, अंदर से आप जैसा आपकी मर्जी है वैसे आप करवा सकते हो। टूर हो गया है, अब चलते हैं टाउन के अंदर। तो यहाँ से आगे पूरा सिटी सेंटर स्टार्ट होता है, जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कैफेज और रेस्टोरेंट्स काफ़ी सारे बने हुए हैं। और ये वाली जो स्ट्रीट है कॉबल स्टोन वाली स्ट्रीट है, तो पूरा यूरोपियन फील है यहाँ पे, तो काफ़ी सुंदर लग रहा है, आगे जाके देखते हैं कैसा है। ये सिटी का मोस्ट फेमस स्पॉट है और यहाँ पे फोटो के लिए लाइन लगती है।
तो वो जो इंस्टाग्राम वाला फेमस स्पॉट था वो हमने पीछे छोड़ दिया है, वहाँ पे हमने फोटोज वगैरह निकाल ली हैं और अब हम ऐसे ही बस ये सिटी में जैसे घूम रहे हैं वॉक करके। इतना सुंदर है ये, बहुत सुंदर सुंदर यहाँ पे बिल्डिंग्स हैं। और यहाँ का ना एक बहुत फेमस डेजर्ट है स्नो बॉल करके, तो हम वो भी ढूंढ रहे हैं कि वो कौन सी बेकरी में अच्छा मिलेगा, फिर हम वो ट्राई करेंगे और आप लोग को भी बताएंगे कि वो एक्चुअली है कैसा। तो ये जो अभी हम जहाँ पे हैं ये है इस टाउन का सिटी सेंटर, जिसको मार्केट प्लेस भी बोला जाता है। और इस टाउन के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा कुछ बताऊं तो ये मतलब टाउन 1100 सदी के टाइम से है, और 1400 जो सदी थी उस टाइम तक ये जर्मनी का सेकंड लार्जेस्ट टाउन माना जाता था। और उस टाइम पे यहाँ की पॉपुलेशन 6000 थी, और ये मतलब वन ऑफ द बेस्ट हिस्टोरिक और मेडिवल टाउन में आज भी जर्मनी की, जैसे अगर आप देखोगे कि जर्मनी में कौन कौन सी फेमस प्लेसेस हैं देखने की, तो उसमें रोटनबर्ग इस टाउन का नाम आता है। और जैसे इस टाउन का नाम रोटनबर्ग अब दे टॉबर क्यों है, तो जैसे ये रोटनबर्ग तो टाउन है और इसके पास से टॉबर नदी है वो जाती है, तो इसलिए इसका नाम हो गया रोटनबर्ग अप द टॉबर, मतलब रोटनबर्ग ऑन द टॉबर रिवर, मतलब जर्मनी में जैसे फ्रैंकफर्ट अम माइन है और इस टाइप से नाम रखे जाते हैं। और इस टाउन की एक बहुत इंटरेस्टिंग हिस्ट्री है, तो जब मेडिवल टाइम्स में इस टाउन, मतलब जब जर्मनी में वॉर चल रहा था, तो जो इंपीरियल ट्रूप्स थे उन्होंने जैसे जब इस टाउन पे भी मतलब कब्जा कर लिया था, तो यहाँ के जो मेयर थे उन्होंने फिर जैसे उनसे रिक्वेस्ट करी कि आप मेरे टाउन को छोड़ दीजिए, तो फिर उन्होंने शर्त रखी थी कि मतलब इंटरनेट पे लिखा हुआ है, कहीं पे लिखा हुआ है 13 कप्स ऑफ वाइन और कहीं पे लिखा हुआ है 3 लीटर वाइन, तो ले दे के इतना था। और उन्होंने बोला था कि अगर आप एक घूंट में इतनी वाइन पी जाएंगे तो हम आपके टाउन को छोड़ देंगे। तो उस टाइम पे जो इस टाउन के मेयर थे उन्होंने एक घूंट में उतनी वाइन पी ली थी, और उसके बाद में कहते हैं कि वो 3 दिन तक लगातार सोते रहे, बट उसके बाद में कभी भी इस टाउन पे मतलब उन लोगों ने फिर दोबारा कभी अटैक नहीं किया। और तो उसी की जैसे मेमोरी में यहाँ पे जो मेन मार्केट प्लेस में जो चर्च है उसमें वो मतलब अभी भी छोटा सा एक प्ले टाइप होता है, जब मतलब हर आवर कंप्लीट होता है तो फिर वो घंटी बजती है, फिर कुछ खिड़कियां खुलती हैं, फिर उनमें से 2 लोग बाहर आते हैं, फिर वो दिखाते हैं कि वो मेयर वाइन पीते हैं। तो वो शो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ, आप वो देखो और इन्जॉय करो, है ना, ये बहुत इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री। तो हमने गूगल किया तो ये जूकर बेकरा है, और इसके सामने ही एक और बेकरी है, दिलेर करके कुछ नाम है, तो ये दोनों ही अच्छी दिखा रहा है, तो हम कन्फ्यूज है कौन से वाले में ट्राई किए, बट हम सोच रहे हैं कि इसका वाला ट्राई कर लेते हैं। तो अभी जाते हैं अंदर, बहुत टाइप की मतलब ऐसे 20 से भी ज़्यादा टाइप के स्नोबॉल्स यहाँ पे मिल रहे हैं, तो देखते हैं कौन सा वाला मतलब फ्लेवर लेना है और क्या है, एक्सप्लोर करते हैं अंदर जाके और फिर खा के बताते हैं कैसा है। तो ये वनीला फ्लेवर का स्नोबॉल हमने ले लिया है, जैसे जो सबसे ज़्यादा फेमस वाला है वो सिर्फ जो शुगर वाला है वो होता है, बट जैसे चीनी चीनी सोच के थोड़ा खाने को नहीं हो रहा था, तो ये वनीला और चॉकलेट के साथ में ये ट्राई करके बताती हूँ कैसा है। इसका मुझे पता भी नहीं कि इसका एक्चुअल फ्लेवर कैसा होता होगा। दांत पे लग गया, अच्छा है, मतलब अगर मैं इसको एक्सप्लेन करूँ कि ये किस टाइप का टेस्ट करता है, तो कुकी और जो अपन जैसे पैटीज़ खाते हैं तो उसका जो टेक्सचर होता है ना बाहर का, उस टाइप का सा है, मीठे में और साथ में वनीला फ्लेवर है, तो इट्स गुड, आई लाइक इट। और ये इस सिटी में एक क्रिमिनल म्यूज़ियम भी है, वो ये भी मतलब यहाँ का एक फेमस स्पॉट है, तो अभी लॉकडाउन की वजह से तो बंद है, लेकिन जैसे जब लॉकडाउन के बाद अगर आप आते हो यहाँ तो आप यहाँ पे भी विज़िट कर सकते हो। यहाँ पे सारे ना जैसे अलग अलग वो सारे दिखाई हुई हैं चीज़ें बनाई हुई हैं, जैसे जिनसे मतलब क्रिमिनल्स को उस टाइम पर जो भी सज़ाएँ वगैरह दी जाती थी वो सारी हैं इसके अंदर।
और ये जो पीछे आप बिल्डिंग देख रहे हैं ये है जॉन्स किर्चे, तो मतलब ये भी यहाँ की जो फेमस चर्च है वो है, तो आप इसको भी अंदर से विजिट कर सकते हैं। तो ये सारी जगह ना बहुत आसपास ही हैं, इधर से वो जो इंस्टाग्राम स्पॉट था वो है, फिर ये चर्च है, इसके पीछे वो क्रिमिनल म्यूजियम है, और फिर यहाँ से सीधा जाके जो मार्केट प्लेस है वो आ जाता है, तो आप पूरा वॉक करके सिटी घूम सकते हैं। ये तो जो अभी मैंने आपको मेयर वाली स्टोरी सुनाई थी जिन्होंने वाइन पी थी, उनका नाम था जॉर्ज न्यूश, और ये जो आप मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं ये उनका जैसे उस टाइम पे घर हुआ करता था, वो यहाँ रहते थे। तो ये था हमारा डे ट्रिप का वीडियो रोटनबर्ग टाउन का। आई होप आपको भी ये टाउन देखना अच्छा लगा हो, अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए, और जर्मनी के बारे में आप और क्या देखना चाहते हैं वो भी मुझे कमेंट्स में बताइए और मैं कोशिश करूँगी वो आपको दिखाने की। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, मैं मिलती रहूँगी अपने आगे के वीडियोज़ में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।